मैच स्टार्ट कर रही अपन लगेजच निलेश सत्तावीस ची गरज है। पहिलाच बॉल इन साइड आउट च्या माध्यमातून खेळलेत, फटका चांगला आणि धावा देखील चांगला मिळतील, चौकार। पहिलाच बॉल वरती चांगली सुरुवात पाहायला मिळते चौकारांना, सुरुवात केली आहे चार धावा स्कोरबोर्ड वरती। सत्तावीस धावा बनवायचा सामना जिंकण्यासाठी आणि पहिल्याच बॉल वरती चौकार देखील आलाय। पुढचा बॉल यावेळेस लाईन चुकीचा आहे, व्हाईट बॉलचा इशारा अंपायरचा आणि एक्स्ट्राच्या मदतीनं एक धावित अजून मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती पांच आपल्याला पाहायला मिळते। क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल, पावर प्लेचा हा पहिला षटक आहे आणि कमी धावा बनवल्या आहेत पहिल्या इनिंगमध्ये टायगर स्पोर्ट्स चौधरीपाडा टीमनं, त्या अनुषंगाने सातत्याने क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल आपल्याला पाहायला मिळतोय। आता मध्ये खेळाडू मिडविकेट रिजनमध्ये आणला जातोय आणि एक ऑफसाईडला दरम्यान मिडऑफच्या दिशेनं खेळाडू तैनात केलाय, लाँग ऑन लाईक खेळाडू आणलाय, मिडविकेट आता मात्र नाहीये। पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट, नॅप ट्रॅकर ऑन साइड ला, ज्या ठिकाणी खेळाडू होते त्याच ठिकाणी मात्र हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि तिथनं आता खेळाडू बरोबर लॉन्ग ऑन ला आणलेत चौकार। चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या चार न जाते पुढे। नऊ धावा स्कोरबोर्ड वरती, ओव्हर द विकेट इन साइड आउटच्या माध्यमातून अजून एक चांगला फटका आहे, चेंडू डीप स्लीपर कव्हरला बीट करून सीमा पार, चौकार। चार धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वेगानं जाते पुढे, तेरा धावा। ओव्हर द विकेट ना दिशा देण्याचा प्रयत्न चेंडू मात्र फाईन लेगला, फाईन खेळलेत, आउटफील फास्ट आहे, अजून एक चौकार। चार चेंडू आणि चार चौकार, योगेश कोळीनं सहा चेंडू सहा चौकार मारले होते या स्पर्धेमध्ये, तो संघ मेगा फायनलमध्ये देखील आपल्याला पाहायला भेटेल नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौधरीपाडा। संघाची धावसंख्या सतरा, चांगली बॅटिंग सुभाष ओव्हर द विकेट ना दिल स्कूप खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडू आणि बॅटचा चिपात कुठलाही संपर्क आला नाहीये, डॉट बॉल।
विकेट फेकवाना फटका खेलने का प्रयत्न होता सुभाष का, तो शिंदोने बैट का कुछ संपर्क आला नहीं है। डॉट बॉल पहिल्या षटकाचा खेळ संपला आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती बिनगडीबाद 17। डीजे थैंक यू डीजे। पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या षटकाच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्ड वरती 27 टार्गेट आहे। क्वार्टर फायनल ची आपल्याला मॅच पाहायला मिळते, त्यानंतर सेमी फायनल, त्याच्यानंतर मात्र आपल्याला मेगा फायनल मॅच पाहायला मिळेल। ओवर द विकेट नॅप ट्रॅकर आहे, फटका देखील सुंदर आहे, मिड विकेटच्या दिशेनं उत्तुंग षटकार। तेवीस धावा स्कोरबोर्ड वरती। चार धावीची गरज आणि या दरम्यान हा विजयाचा षटकार देखील येतोय आणि अशा प्रकारे सेमी फायनल मध्ये यावेळेस गावदेव क्रिकेट संघ लोणार आपल्याला पाहायला मिळेल। टॉस तरी लगेच जायचं कॅप्टननी, अजिबात वेळ ना घेता। सन्माननीय मदनजी जाधव यांचा आपण शुभ सन्मान करूया, बाजारामजी मेहर यांच्या शुभ असल्या शुभ सन्मान आपण करत आहोत। सन्माननीय शालिक गोडे यांचा देखील आपण शुभ सन्मान करूया, बाजाराम मेहर यांच्या शुभ हस्ते हा देखील शुभ सन्मान होईल। या सामन्याचा आपण देऊया मान ऑफ द मॅच देखील, टॉस देखील आपण घेऊया सेमी फायनलचा। अजय ठरले या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच, पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल गोलंदाजी केली, फक्त चारच धावा त्याने खर्च केला, तर अजय ठरले या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच। चला या लगेचच आपण जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज, लोणार संघाच्या संघनायकाला विनंती की टॉस साठी आणि अजयने मॅन ऑफ द मॅच साठी यायचे। तो दूसरे सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है, दोनों कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। एससीसी पड़गा के कैप्टन और गावदेवी लोनार्ड के कैप्टन टॉस के लिए आना है। हमारे बीच में कल्पेश केने जी है, पिंटिया पाटिल जी के हाथों से टॉस होने जा रहा है। ये सिक्का मैं बता दूं, एक तरफ है मैर 11 और दूसरी तरफ है नामदेव पाटिल स्मृति चषक।
मेयर 11 कहना है यहाँ पर, और आया है नामदेव पाटिल चषक। टॉस को जीता है एसएससी पड़गा ने। देखिए वक्त बहुत कम है हमारे पास, तो आपको सिर्फ अपना डिसीजन बताना है। सुफियान शेख, टॉस जीता है बड़ा मेगा सेमीफाइनल, क्या करना चाहेंगे? फर्स्ट फील्ड फील्डिंग करने का फैसला लिया, आपको तुरंत फील्डिंग लगानी होगी। समोर गर्दी करू का, समोर कैमेरा टेलिकास्ट सुरू है, समोर को गर्दी करू ना प्लीज। अजय सा मैन ऑफ द मैच निलेश देते अपन, तो निलेश ने ऐसे लगे मैन ऑफ द मैच स्वीकारना। क्षेत्रक्षण करणाऱ्या टीमने क्षेत्रक्षण लगेच लावून घ्यायचा आहे। दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती की आपण चेंडू तपासून घ्यायचा आणि अजिबात वेळ न घेता 0 मिनिटांमध्ये सामना सुरू करायचा आहे। पिंटू पाटील यांच्या शुभास्त्यामध्ये देतोय सर्वात आधी मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी। सन्माननीय मदनजी जाधव यांच्या शुभास्त्यामध्ये स्वीट बॉक्स। हृदयजी गोडे यांच्या शुभाशयापण देऊया। दरम्यान जनरल नॉलेज बुक आहे सुंदर, तो देखील देऊया आणि छोटस वृक्ष देखील आहे तो आपण देऊया सन्माननीय हृदयजी गोडे यांच्या शुभास्ते। पुन्हा एकदा मान्यवरांचं आभार आणि खेळाडूंचं अभिनंदन। तर 2 मिनिटांमध्ये आपण सामना लगेच सुरू करणार आहोत। सामना जेव्हा सुरू होईल आपण ऐकणार आहोत मजलखान्यांचा आवाज। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भोईर। तो दूसरे सेमीफाइनल का टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है एससीसी पड़गा ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। बल्लेबाजी का न्योता इस वक्त दिया है वहां पर गांव देवी लोनाड को, ओपनर बल्लेबाज भेजना है तुरंत। हमारे दोनों ही एम्पायर इस वक्त मात्रे सर और नाइक सर। गावदेवी लोनार्ड ओपनर बल्लेबाज भेजना है।
गावदेवी स्पोर्ट्स। हमारे बीच में विक्की पाटिल और जयदीप पाटिल जी आ चुके हैं, आपका स्वागत है, वेलकम स्वर्गीय नामदेव स्मृति पाटिल चषक में। जो विनर ट्रॉफी है और नंबर चार की जो ट्रॉफी रहेंगी वो हमें स्पॉन्सर की है विक्की पाटिल जी ने, और हमारे सभी स्पॉन्सरों का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए आपने हमारा साथ दिया है। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज इस वक्त आते हुए गावदेवी स्पोर्ट्स की तरफ से सुभाष और उनका साथ देने के लिए योगेश। तो पहला ओवर लेकर आते हुए एससीसी पड़गा की तरफ से गेंदबाज सुफियान शेख। तो सामना करेंगे वहां पर पहली गेंद का सुभाष। पहली गेंद वहां पर देखना है, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से खेलने की कोशिश वहां पर की बल्लेबाज ने, तेज कदमों के साथ पहला रन पूरा किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई इस एक रन की मदद से गावदेवी लोनाड का खाता खुलता हुआ। बहुत तेज ये रन पूरा किया था वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो यहां पर दूसरे सेमीफाइनल की शुरुआत हो चुकी है, गावदेवी लोनाड और एससीसी पड़गा के बीच में, जबकि एक टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, नक्षत्र चौधरपाड़ा। अब देखना है कौन सी टीम फाइनल में पहुंचती है और दो दो हाथ लेती है चौधरपाड़ा से, ये देखना होगा। दूसरी गेंद वहां पर सुफियान की, उसी बीच वहां पर देखना है घूम कर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज योगेश ने, अच्छी गेंद रही इस बार सुफियान की, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। पहली दो गेंदों में अब तक सिर्फ एक रन बनाए वहां पर योगेश इस बार सामना किया था, जबकि पहली गेंद का सामना किया था वहां पर सुभाष ने। इस बार देखना हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेलने की कोशिश वहां पर, और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवनदान मिलता हुआ वहां पर बल्लेबाज को। तो एक रन आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस एक रन की मदद से दो रन पर। अच्छी गेंद जरूर रही थी वहां पर सुफियान की, विकेटों के बीच में रखा था, हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन उतना एलिवेशन नहीं दे पाए थे। उसी बीच वहां पर देखना है ग्लांस करने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां बल्लेबाज ने, एक रन आया इस बार भी। तब तक का जो खेल हुआ, जितने रन बने सभी रन तीनों रन सिंगल में ही बने, चार गेंदों में अब तक तीन रन खर्च किए वहां पर सुफियान शेख ने, अच्छी गेंदबाजी यहां पर पावर प्ले में करते हुए। इस बार देखना है पुल करने की कोशिश की थी वहां पर योगेश ने, एक और अच्छी गेंद, गुड लेंथ पर पिच कराया था गेंद को, अगले पैर को ऊपर उठाकर वहां पर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। हमारे बीच में नबील दिवकर आ चुके हैं, वेलकम नबील, आपका स्वागत है। मैं उनसे निवेदन करूंगा नबील दिवकर। उसी बीच वहां पर देखना है पुल किया इस गेंद को, मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं वहां पर बाजिल के पास छह रनों के लिए। योगेश के बल्ले से राइजिंग गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से पुल स्ट्रोक खेला
नबील दिवकर से मैं गुजारिश करूंगा आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स में आना है नबील। नबील दिवकर जो कि बहुत ही बढ़िया कमेंटेटर है, पिछले सीजन एवन ट्रॉफी में हमने साथ में कमेंट्री किए थे की थी मापुली में, बहुत ही यादगार टूर्नामेंट रहा था। तो ओवर की समाप्ति होती हुई, एक ओवर की समाप्ति पर हम स्कोर देखे तो 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, जहां पर 9 रन भी आ गए। और अच्छी बात ये भी है गांव देवी लोनाट के लिए कि विकेट नहीं गिराए, जब योगेश ने बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला था लास्ट गेंद के ऊपर। दूसरे ओवर के लिए वहां पर गेंदबाज सुनील को बुलाया गया है। आर्यन मेयर ने 1000 रुपये का इनाम रखा है अगर हैट्रिक लेते हैं गेंदबाज सुनील तो। कल भी उनके ऊपर इनाम रखा गया था काफी आर्यन की तरफ से। उसी बीच वहां पर पल्लू स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ और पारी समाप्त होती हुई सुभाष की। दिलशान के अंदाज में खेलने की कोशिश की थी वहां पर सुभाष ने, विकेट गिरता हुआ पहला झटका लगता हुआ गांव देवी लोनाट को 9 रनों पर। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया वहां पर सुनील ने। 2 विकेटें और लेते हैं लगातार तो फिर 1000 रुपये का इनाम आएगा आर्यन मेयर की तरफ से। सुधीर अगले बल्लेबाज, उसी बीच वहां पर देखना है फोर्स किया इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। पर आता हुआ पहली गेंद का सामना किया वहां पर बल्लेबाज सुधीर ने और बेहतरीन स्ट्रोक 6 रन। इस सिक्सर की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 पर, जहां पिछली गेंद पर विकेट हासिल किया था सुनील ने, वहां पर दूसरी गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक खेलते हुए बल्लेबाज। उसी बीच वहां पर देखना है एक बार फिर से, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से यह गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। तो अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है सुधीर द्वारा, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर, सिक्सर की हैट्रिक पर आ गए अब बल्लेबाज। वैसे तो गेंदबाज के ऊपर इनाम रखा गया था लेकिन यहां पर बल्लेबाज सिक्सर की हैट्रिक पर आ गए। स्कोर हम देखें तो 21-21 एक विकेट गवाने के बाद गांव देवी लोनार्ड। इस बार देखना है खिलाड़ी गेंद के नीचे आते हुए और इस बार फंस गए वहां पर सुधीर, विकेट गिरता हुआ 2। तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेल रहे थे, तीसरी गेंद के ऊपर भी सिक्सर लगाना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज सुधीर, आउट होकर वापस लौटते हुए। प्रदीप थले जी हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनसे कहूंगा सर आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। प्रदीप थले जी, तो मिला जुला ओवर रहा यहाँ पर अब तक का जो सुनील का रहा, जहाँ 4 गेंदें की जिसमें 12 रन खर्च किया और 2 विकेटें भी हासिल की है।
योगेश इस बार सामना करेंगे। लोअर फुल टॉस गेंद वहां पर देखना है, मिड ऑफ की दिशा में इस बार खेला वहां पर बल्लेबाज योगेश ने, एक रन पूरा करते हुए स्कोर आगे पहुंचता हुआ 22 पर। दूसरे ओवर का खेल इस वक्त चलता हुआ और दूसरा सेमीफाइनल, अभी भी एक गेंद बची हुई है सुनील की, और इस बार सामना करेंगे अजय कदम। पिछले दो मुकाबले में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था और दोनों मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन अब सेमीफाइनल का मुकाबला। फुल टॉस गेंद वहां पर क्लियर करते हुए मिड विकेट गेंद जाती हुई बाहर 6 रनों के लिए। तो लास्ट गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक खेला वहां पर अजय ने, फुल टॉस गेंद कर बैठे वहां पर लास्ट गेंद सुनील, शायद वो ये सोच रहे थे कि नए बल्लेबाज है उनको यॉर्कर टॉस गेंद। स्कोर इस वक्त 2 ओवर की समाप्ति पर अच्छा नजर आता हुआ 28 रन। 2 विकेट जरूर हासिल की है सुनील ने, लेकिन रन भी काफी खर्च किए, 19 रन आए उनके इस ओवर में, जहाँ 3 सिक्सर भी लगे थे उन्हें। अब देखना है कहीं ना कहीं थोड़े से यहाँ पर चिंतित होंगे सुफियान शेख टीम के कैप्टन। तीसरे ओवर के लिए वहां पर प्रतीक, तो तीसरे ओवर के लिए प्रतीक को बुलाया गया है। पहले ओवर में जहां सुफियान ने 9 रन खर्च किए, उसके बाद सुनील ने 19 रन। पहली गेंद प्रतीक की देखना, ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है, अच्छी फील्डिंग होती हुई तो 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर, स्कोर आगे पहुंचता हुआ इस 1 रन की मदद से 29 रन। अब तक का जो खेल हुआ है 2 ओवर हुए, उसमें अच्छे रन बटोरे है यहाँ पर लोनार्ड ने, क्योंकि वो जानते हैं कि पड़गा के सामने जो बल्लेबाजी है, उनके पास जो बल्लेबाजी है वो काफ़ी मजबूत है। जिस तरह से कल उनका परफॉर्मेंस रहा था लास्ट मैच में, जिस तरह से उन्होंने 70 रन बनाए थे 4 ओवर में, तो उनके पास भी अच्छा बैटिंग लाइनअप है। बाजिल है, सलमान है, जयेश है, सुफियान है, नीलेश है, सभी अच्छे बल्लेबाज है। तो यही चाहेंगे लोनार्ड के एक बड़ा टारगेट रखे है, जिसमें वो उनको कामयाबी भी मिली अब तक। अजय इस बार सामना करेंगे वहां पर प्रतीक का, इस बार देखना है ऑन साइड की दिशा में एक बार फिर से गेंद आती हुई, 1 रन पूरा किया वहां पर और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। अच्छी गेंदबाजी यहां पर, पहली 2 गेंदें प्रतीक की अच्छी गेंद रही, जहां पर दोनों गेंदों पर सिंगल सिंगल रन आए, स्कोर आगे पहुंचता हुआ 2 विकेट गंवाने के बाद 30 रन। दूसरा सेमीफाइनल इस वक्त चलता हुआ, उसी बीच वहां पर बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से कट करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज योगेश ने, अच्छी गेंद वहां पर रही एक बार फिर से प्रतीक की, गुड लेंथ पर पिच कराया था इस बार, तो अच्छा ओवर घटता हुआ यहां पर प्रतीक का, जब पिछले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे गेंदबाज, थोड़ा सा यहां पर रनों पर रोकथाम लगाई है। इस बार देखना है क्या सही कनेक्ट, यस, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
तो बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ वहां पर पिछली गेंद के ऊपर योगेश के बल्ले से। इस बार गति परिवर्तन, वहां पर थोड़ा सा वेट कम किया था गेंद का वहां पर, जिसमें चकमा दिया बल्लेबाज को। इस एक रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 37 पर। उसी बीच वहां पर देखना है एक और अच्छी गेंद प्रतीक की, पुलर लेंथ की गेंद थी, बिट कराते हुए बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति होती हुई, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जो अब तक बना है 2 विकेट गंवाने के बाद लोनार्ड 37, 37। तो 3 ओवर की समाप्ति पर 37। देखना लास्ट ओवर के लिए वहां पर गेंदबाज आते हुए जयेश। एक बार फिर से आर्यन मेहर ने 1000 रुपए का इनाम रखा है जयेश के ऊपर, हैट्रिक लेते हैं तो। 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 37 रन 37। खेल की शुरुआत होती हुई स्लॉग ओवर लास्ट ओवर, जयेश के हाथ में गेंद, सामना करेंगे वहां पर योगेश। पहली गेंद वहां पर ये जयेश की, देखना है दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर, जब तक सुफियान जूनियर गेंद को फील्ड करते उसी बीच 2 रन पूरे किए 39 रन। सुफियान जूनियर वहां पर मौजूद थे जो एक अच्छे बल्लेबाज है, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है। सिटी क्रिकेट की अगर हम बात करें तो एमगार्ड वॉरियर्स के लिए वो खेलते हैं। तो 4 रनों का इशारा आता हुआ इस वक्त एम्पायर्स का लेग बाय के रूप में। इकतालीस रन 41। उसी बीच वहां पर देखना है एक बार फिर से ये गेंद जाती हुई कॉर्नर की दिशा में 6 रनों के लिए। लास्ट ओवर की 10 रन आ गए। तो अब तक का अच्छा टोटल यहां पर बना लिया ये कहना होगा गौदवी लोनार्ड ने। इस बार देखना है लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां खिलाड़ी बाजिल वहां मौजूद होता हुआ और दूसरे के लिए पलट चुके दोनों खिलाड़ी बीच में स्कोर 50 रन पर। अभी भी लास्ट ओवर की 3 गेंदें बची हुई है, जबकि पहली 3 गेंदों पे हम देखें तो 12 रन आ चुके।
दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त, योगेश और अजय। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, देखना है वहां पर डीप में खड़े हुए खिलाड़ी देखते ही रह गए गेंद को, गेंद चलेगी बाहर 6 रनों के लिए। जब सुनील गेंदबाजी कर रहे थे तो आर्यन मेयर ने 500 रुपए का इनाम लगाया था हैट्रिक के लिए, 1000 का लगाया था, और अब जैस के ऊपर भी 1000 का लगाया, तो दोनों ही गेंदबाज महंगे साबित हुए। कहा है आर्यन मेयर, चौदह गेंदों का सामना किया और अब तक 32 रन। अजय की बात करें तो ज्यादातर स्ट्राइक उनको नहीं मिला है, सिर्फ 3 गेंदे खेली जिसमें 7 रन उन्होंने बनाए, लेकिन योगेश इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। पहली इनिंग की लास्ट गेंद, देखना है वहां पर छोड़ दिया था इस गेंद को, अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई, व्हाइट का इशारा आता हुआ नाइक सर द्वारा। 58 पर स्कोर पहुंचता हुआ एक अच्छा टोटल बना लिया है यहां पर गावदेवी लोनार्ड ने, और जो पड़गा के बल्लेबाज रहेंगे उनके ऊपर अब ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, घूमकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति होती हुई, 4 ओवर की समाप्ति पर पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बने हैं 58 और 59 की चुनौती रहेगी एससीसी पड़गा के सामने। ऐतिहासिक दिन इस लेट नामदेव ट्रॉफी 2020 का बापगांव की सरजमीन पर इस वक्त सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। पड़गा के विजय मालिया साजिद शेख फैन टीम एससीसी स्पोर्ट्स बनाम आई गावदेवी लोनार के बीच, और जहां तक स्कोरर बता रहे चौधर पाड़ा फाइनल में पहुंच चुकी है।
इस मैच की विजेता टीम फाइनल में टकराएगी चौधरपाड़ा से, नक्षत्र चौधरपाड़ा इस परिसर का एक बहुत बड़ा नाम है, पिछले साल पीसीएल को जीता था। उनसाठ रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे दोनों ही सलामी बल्लेबाज बाजिल शेख युवा खिलाड़ी, साथ निभाने के लिए है सलमान, हार्ड हिटर बल्लेबाज है सलमान। आने वाले बल्लेबाजों में सुफियान शेख बिग बट आना बाकी, दो सुफियान शेख है इस साल एससीसी के पास। जयेश परलेश जैसे कई दिग्गज खिलाड़ी इस साल एससीसी में हमें नजर आ रहे, एक मजबूत साइड बनाई है। जबकि पहली ओवर के लिए मोर्चे पर लगाया गया गेंदबाज अजय को, अजय गेंदबाजी करेंगे कल्याण एंड से, सामना करेंगे सलमान। 59 रनों का लक्ष्य फाइनल में पहुंचने के लिए एससीसी पड़गा को। अजय अपनी पहली गेंद लेकर तैयार, सलमान स्ट्राइक पर। पहली गेंद कट करना चाहते थे, जगह नहीं बना पाए, गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर थी, अंपायर सहमत नहीं, वाइड घोषित किया, एक्स्ट्रा के रूप में खाता खुला पड़गा के विजय मालिया साजिद शेख फैन टीम एससीसी स्पोर्ट्स का एक रनों से। 59 के लक्ष्य का पीछा करिए फाइनल में पहुंचने के लिए एससीसी स्पोर्ट्स। नक्षत्र चौधरपाड़ा फाइनल में पहुंच चुकी है नीलेश एंड कंपनी। अजय अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बॉल अराउंड द लेग्स, समझ नहीं पाए सलमान शेख, निराश कदमों से अपने पवेलियन में वापस। पड़गा और बोरीवली के टोटल 3 से 4 टीमें यहां परफॉर्म की, लेकिन एससीसी स्पोर्ट्स इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंचती हुई, कल बीसीसी का सपना चूर हो गया था और पहले ही मुकाबले में अल्फता का सपना चूर किया था बीसीसी ने। नए बल्लेबाज प्रलेश आए बल्लेबाजी के लिए, इनफॉर्म बल्लेबाज है, देखना है इस अहम मुकाबले में क्या करते हैं अपने टीम के लिए। 59 का लक्ष्य है, स्कोर केवल 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर, पहली ओवर का खेल चल रहा है तो इसे चिंतित नजर आ रहे हैं एससीसी के सपोर्टर्स। हालांकि अब कैमरा तो यहां नहीं है, लेकिन मैंने भी एससीसी की जर्सी पहनी है, मैच का मजा लेने के लिए आया था। इस बीच अगेन मोर दिया गेंद को ऑन साइड पर, फील्डर मौजूद है, थोड़ा सा थ्रंबल जरूर किया लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं प्रलेश के लिए। 1 रन से प्रलेश ने अपना खाता खोला, 2 पर पहुंचा स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। साजिश शेख ने इनवाइट किया था और उसी कारण आना पड़ा, वरना आजकल यूट्यूब का जमाना है, घर में एसी में बैठकर मैच का मजा लेना भी कुछ अलग ही होता है। इस वक्त तौसिफ कुला सेकरा घर से मजा ले रहे हैं और शुभकामना दी है इस वक्त एससीसी स्पोर्ट्स के लिए और इस स्पर्धा के लिए। और ये जो बाबगांव ने राह जुटाकर एक स्पर्धा कराई है, बहुत बढ़िया आयोजन और नियोजन, लोगों को बाहर निकाला है, पिछले कई महीनों से कोरोना के खतरे से सभी अपने घर में थे, तारीफ करनी होगी कमेटी की हिम्मत की है। अजय मुर्थेवे इस मरतबा बाजिल शेख ने इनसाइड आउट खेला है, गेंद को गेंद जा रही है कवर की दिशा में, 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे, गेंद और खिलाड़ी, देखना है अंपायर का इशारे का इंतजार है, दोनों बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन।
बाजिल शेख, कल भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था, युवा खिलाड़ी है, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा रहता है इनका, थोड़ी सी सीख और जरूरी है। पानी की सुविधा उपलब्ध की जाए प्लेयर्स पवेलियन में। पप्पू भाई का भी शुक्रिया और कमेटी का भी मुझे यहाँ इनवाइट किया कमेंट्री बॉक्स में। कल से दो दिनों से इस स्पर्धा में रंग भर रहे मजहर खान और मेरे साथी दोस्त कल्याण के मशहूर कमेंटेटर राहुल भोईर, जिन्होंने मेरा साथ निभाया था पिछले साल तलोली के एक स्पर्धा में। अजय मुरते हुए बाजिल शेख सामना करेंगे। पटकी भी गेंद तेज निकल गई, पीछा जरूर किया था, रिस से बहुत दूर थी, अंपायर सहमत नहीं, वाइड घोषित किया और स्क्वायर लेग अंपायर का इशारा, वन फॉर दी ओवर। बिल्कुल बहुत ज्यादा गेंद पिच हुई थी, स्कोर में एक रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 7 पर पहुंचा है। पहली ओवर का खेल चल रहा है, 59 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है एससीसी स्पोर्ट्स पड़गा फाइनल में पहुंचने के लिए। वसीम शेख अल्फता के कर्ता धर्ता भी मौजूद है, वेलकम। निराश है अपनी टीम के परफॉर्मेंस से, इस बार अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद चली गई बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाया था। आठ पर पहुंचा स्कोर, अभी भी उतनी सफाई से बल्लेबाजी नहीं हो पा रही है एससीसी स्पोर्ट्स की ओर से जिस तरीके से शुरुआत चाहिए। पहली ओवर का खेल चल रहा है, घटनापूर्ण हम कह सकते हैं, एक विकेट भी खोया, एक बाउंड्री भी लगी है। प्लेश सामना करेंगे अजय का, पिच की भी गेंद हुक कर दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक पिछली गेंद पर हमने देखा, शॉर्ट गेंद कर बैठे थे अजय और परलेश, बहुत ही चतुराई से हुक कर दिया गेंद को, बहुत ही इनफॉर्म खिलाड़ी है परलेश, पिछले दो सीजन से हम देख रहे हैं बहुत ही टच में नजर आ रहे हैं। देखना अब अजय वापसी करते या नहीं, परलेश सामना कर रहे, इस बार सम्मान दिया, जेंटल पुश, कोई रन नहीं, डॉट गेंद, एक ओवर की समाप्ति, स्कोर इस वक्त 14 रन एक विकेट के नुकसान पर एससीसी स्पोर्ट्स पड़गा 59 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है मेगा फिनाले में पहुंचने के लिए। बाजिल शेख, यस राहुल, थोड़स मैच स्पीड अप करायची प्लीज, जास्त वेळ घेऊ नका। इस बीच अगेन रिवर्स स्ट्रोक, ये तो उनका सिग्नेचर स्ट्रोक है बाजिल शेख, रन मशीन ऑफ एससीसी स्पोर्ट्स।
के बारे में इस युवा खिलाड़ी के? खूप क्लास आहे बाजील कले आणि पहिल्या दिवसापासून आपण बघतो खूप चांगली बॅटिंग पहिल्या मॅचमध्ये 44 धावा बाजीलने बनवल्या होत्या कालच्या दिवसामध्ये आणि आज देखील त्याचीच गरज आहे आणि हा त्यांचा नक्कीच फेवरेट शॉट आहे रिव्हर्स स्विच इट क्लासिकल फटका बाजील शेख अगली गेंद के लिए तैयार फुल टॉस गेंद वी की शक्ल में खेला बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक दूर से खिलाड़ी आए गेंद पर एक रन बना एक से ज्यादा कुछ भी नहीं बाजील शेख के लिए थोड़े से निराश है अपने आप से ज्यादा सावधानी बरती थी उन्होंने मेरे ख्याल से स्कोर एक रन से बढ़ता हुआ 21 रनों पर पहुंचा है बड़ी मैच के खिलाड़ी बनना होगा बड़ी इनिंग खेलनी होगी परलेश सामना करने के लिए तैयार योगेश का इस बार गेंद थोड़ी सी नीची रह गई थी घूम गए परलेश पैरों पर घूमती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में चांगली वापसी करत असताना दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज टार्गेट मोठा आहे आणि नक्कीच त्या मोठ्या धावसंख्येचा पाठला करत असताना सुरुवात तर एवढी चांगली नव्हती तर बाजील चांगली बॅटिंग करतो आपल्या टीमसाठी बिल्कुल एक बड़ा लक्ष्य है बड़ा मैच है फाइनल में पहुंचने का मैच है सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है अब यहां से दोनों टीमें वापस नहीं जाना चाहती है घर खाली हाथ लो फुल टॉस गेंद स्लॉग स्वीप किया है गेंद हवा में फील्डर गेंद के नीचे और बढ़िया कैच ओ पता नहीं जी दूसरा झटका लगता हुआ परलेश के रूप में एससीसी स्पोर्ट्स को इस वक्त पता नहीं जी कौन सा नशा चल रहा है सोशल नेटवर्क पर भी बहुत चल रहा है लेकिन इस वक्त भिवंडी और उसके परिसर में अब क्रिकेट का नशा सर चढ़कर बोलने को तैयार है कोरोना के खतरे से सभी बाहर आ चुके अब नए बल्लेबाज जयेश आए बल्लेबाजी के लिए जयेश वारके दो हार्ड हिटर बल्लेबाज अभी भी आना बाकी है दोनों ही सुफियान शेख जूनियर और सीनियर बाजील शेख अच्छी बल्लेबाजी कर रहे आखिर तक टिकना होगा पिच पर इस मर्तबा हो दर्शनीय स्ट्रोक जितनी तारीफ की जाए उतनी कम इस स्ट्रोक की गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छह रन काबिल राहुल क्या कहेंगे आप इस खिलाड़ी के बारे में ना क्लासिकल आके आडवा है जिम्मेदारी जबाबदारी मैच विनर आके आडवा है जेव्हा जेव्हा टीमला गरज असते तेव्हा तेव्हा बरसले बाजील आणि पहिल्या दिवसापासून ना त्याचा खेळ आपण बघितला खूप चांगला देखील झालाय आणि चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये बाजील शेख रन मशीन ऑफ एससीसी फिर एक बार गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से छह रन चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती या दरम्यान 33 धावा स्कोर बोर्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळतात काय बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते क्लास क्रिकेट दाखवत असताना जबरदस्त बॅटिंग दो ओव्हरों की समाप्ती स्कोर 33 रन योगेश की ओव्हर घटनापूर्ण रही लोणार स्पोर्ट्स के लिए बाजील शेख छह गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी सन्मानीय जगन शेठ पाटील तरेगाव चे प्रथम नागरिक सन्मानीय सरपंच साहेबांचा शुभ आगमन झाला आहे त्यांचे देखील नामदेव पाटील स्मृती चषका मध्ये हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे जगन शेठ पाटील तरेगाव चे प्रथम नागरिक सरपंच साहेबांचा शुभ आगमन झाला आहे त्यांच्या माहितीसाठी सेमीफायनल ची मॅच मैदानाच्या आत मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते हमारे बीच में लोनार गांव के सम्मानीय सरपंच
माननीय जगन पाटिल जी आ चुके, वेलकम। इताड़े गांव के सरपंच है, प्रथम नागरिक, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द विलेज। अब तीसरे ओवर के लिए मयूर को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे जयेश। 59 के लक्ष्य का पीछा कर रही है एससीसी स्पोर्ट्स पड़गा, पड़गा के विजय मालिया के नाम से मशहूर साजिश शेख फैन टीम एससीसी स्पोर्ट्स। इस वक्त स्कोर है 33 रन और गेंदबाजी के लिए तैयार मयूर। डोनर चाहेंगे कि वापसी की जाए, कड़क गेंदबाजी करनी होगी जिससे लॉकडाउन में आपने पैसों को कम खर्चा किया था उसी तरीके से रनों को कम खर्चा करना होगा इस ओवर में अगर मैच में वापस आना है तो। संतोष जोशी सर भी मौजूद है वीआईपी डाइस पर। इस बार बहुत ही विद्या था, खड़े खड़े गेंद को खेल दिया है कवर के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चल रहा। और उसका भरपूर फायदा उठाया जयेश ने। अब 11 गेंदे और 22 रन चाहिए। इस मरतबा लंबा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और अच्छा कैच। शुभ आगमन झालं आहे, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून। नए बल्लेबाज सुफियान शेख आहे बल्लेबाजी के लिए, अच्छी वापसी चौका खाने के बाद। अभी भी अगर हम देखें तो 10 गेंदे और 22 रन चाहिए राहुल। मैच में वापसी की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं की जा सकती, लेकिन कसी भी गेंदबाजी करनी होगी। गोलंदाजी चांगली करावी लागेल। अजून इक्वेशन जर आपण बघितलं तर चांगले इक्वेशन आहे, दोन्ही टीमला समान संधी आहे सामना जिंकण्याची। चांगली गोलंदाजी केली तर मॅच मध्ये नक्कीच कमबॅक होऊ शकेल उन्हा टीमचा। मयूर मुर्तेवे, धीरे धीरे दर्शकों की तादाद और बढ़ती हुई। स्लोर वन किया था, पढ़ नहीं पाए, अपने आप से निराश है वहां पर बाजिल शेख। एक रन जरूर पूरा किया है, अच्छी चतुराई से गेंदबाजी की गेंदबाज ने। स्कोर में एक रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 38 रनों पर पहुंचा। अब 9 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 21। अब पिछली 2 गेंदों में हल्का सा दबाव बढ़ा दिया है एससीसी स्पोर्ट्स पर। 9 गेंदे 21 रन, फाइनल में 14 पारा मौजूद है इंतजार करती हुई इस मैच की विजेता टीम के लिए। इस मरतबा ड्राइव कर दिया है गेंद को ऑन साइड पर सुफियान शेख ने, डीप मिड विकेट पर गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं सुफियान के लिए। बढ़िया वापसी, पहली गेंद पर चौका खाने के बाद राहुल मैं कहूंगा बहुत बढ़िया वापसी की है गेंदबाज मयूर ने। चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, कमबॅक करत असताना याच्या अगोदर चेंडू देखील खूप चांगला होता, फ्लॅट देण्याचा प्रयत्न आणि बाजिल नक्कीच मी म्हणेल तो एक चांगली संधी होती बाजिल कडे, मात्र चेंडूला मात्र रीड करता आलं नव्हतं। आणि आता माझा मॅच समान आहे, दोन्ही टीमला अजूनही समान संधी सामना जिंकण्याची। 8 गेंदे 20 रन, इस मरतबा स्वंग कर दिया गेंद को, हो हो, ये तो दूर कई वादियों में जाती हुई 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 45 रनों पर पहुंचा स्कोर।
सात गेंदे 14 रन, जोखिम लेना ही था और ले लिया वहां पर जोखिम बाजिल शेख ने, क्योंकि दबाव बढ़ रहा था। 8 गेंदों में 19 रन चाहिए थे, 20 रन चाहिए थे, अब 7 गेंदे और 14 रन। इस बार शॉर्ट एम पुल कर दिया गेंद जमीन के सारे, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर ने गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। सुफियान शेख के बस में भी नहीं होता है दूसरा रन भागना, क्रिकेट के इतिहास में उनके नाम एक रिकॉर्ड है, रनआउट का, छक्कों का भी रिकॉर्ड है, कई रिकॉर्ड है, लेकिन सबसे बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम यही है कि रनआउट बहुत ज्यादा मर्तबा हुए है सुफियान शेख। तीन ओवरों की समाप्ति, स्कोर 36 रन और 36 का आंकड़ा चलाना होगा इस ओवर में दोनों टीमों को आमने सामने अगर फाइनल में पहुंचना है तो, जबकि जीतने के लिए रन चाहिए 6 गेंदों में 13 रन। आमने गाँव के सरपंच सन्माननीय संतोष जी काकडे साहेबांचा देखील शुभागमन झाला आहे। आमने गावचे प्रथम नागरिक इताडे गावचे देखील सरपंच आपल्या व्यासपीठावरती आणि आमने गावचे देखील सरपंच आपल्या व्यासपीठावरती दोन्ही मान्यवरांचे या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत। समय के मामले में थोड़ा सा सहयोग करना है, इसके बाद फाइनल मुकाबला भी कराना है और कमेटी नहीं चाहती है कि लिमिटेड ओवर का फाइनल मुकाबला कराया जाए। सन्माननीय भगवान जी किने साहेबांचा देखील शुभागमन झाले, त्यांचा देखील हार्दिक स्वागत। छे 13 की इक्वेशन फाइनल में पहुंचने के लिए इस वक्त साजिश शेख फैन टीम एससीसी स्पोर्ट्स को और लोनार को रन बचाने होंगे अगर फाइनल में पहुंचना है तो। चौथे और आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए मोर्चे पर लगाया गया है सुधीर को, 6 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। सुधीर बाजिल शेख के लिए, पटकी भी गेंद, अपरकट खेला है, खराब स्ट्रोक, शॉर्ट सिलेक्शन और बड़ी मछली जाल में। वो ऐसी खराब गेंद पर आउट होता है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। या दरम्यान या चेंडू मध्ये आपल्याला गती देखील कमी पाहायला भेटली, बाकफुला जाऊन हा स्वरकट खेळण्याचा प्रयत्न होता, मग या दरम्यान हा चेंडू शॉर्ट थर्डमॅनला, यावेळेस अपेक्षा देखील नव्हती की शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने येईल, चेंडूने बॅटचा संपर्क बरोबर आला आणि टॉपेजच्या माध्यमातून लिडिंग इच होता भरपूर मोठा। आणि आता मात्र मॅचला कलाटणी आली आहे, मॅच आता मात्र इथं आपल्याला रंगतदार पाहायला मिळेल, आता मात्र इथनं या मॅच मध्ये अप अँड डाऊन्स पाहायला मिळतील आणि या मॅच मध्ये काही खूप काही गोष्टी या नक्कीच क्वार्टर फायनल आपल्याला सेमीफायनलच्या मॅच मध्ये पाहायला मिळतील याच्यामध्ये शंका नाहीये। बिलकुल, अब दबाव बढ़ गया एससीसी स्पोर्ट्स पर, बाजिल शेख खराब गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले गए, 5 गेंदे और 13 रन। होता है ऐसा कि जब बल्लेबाज अच्छी गेंद पर आउट नहीं हो तो कभी कभी खराब गेंद पर आउट हो जाते हैं। मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच देख लीजिए, पोलार्ड की फुलटॉस गेंद और एबी डिविलियर्स आउट हो गए थे इस साल, वही एबी डिविलियर्स फुलटॉस गेंद को कहां भेजते, गेंदबाज भी अनुमान नहीं कर पाते। होता है, यही क्रिकेट की रणनीति है। सुधीर छोड़ दिया गेंद को, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। 6 गेंदे 12 रन, 5-12 सुधीर इस मर्तबा हुक करना चाहते थे, बीट हुए डॉट गेंद। सुफियान शेख चिंतित है नॉन स्ट्राइक पर, 4 गेंदे 12 रन।
अब मजबूत पकड़ बनाती हुई इस वक्त लोनार स्पोर्ट्स। सन्माननीय जीवनदास गायकवाड यांचं देखील शुभागमन झालं आहे। ग्राम पंचायतचे सदस्य आहेत आपल्या देखील नामदेव पाटील स्मृती चषकामध्ये हार्दिक स्वागत। इस बार अपने स्टेप में चुके गेंदबाज सुधीर, डेड बॉल का इशारा अंपायर का, चार गेंदे 12 रन, बाजिल शेख का विकेट टर्निंग पॉइंट साबित होता हुआ अब तक इस मुकाबले में। सुधीर इस बार नो बॉल का इशारा अंपायर का, पिच के बाहर थी, एक रन और मिलेंगे और अब फ्री हिट। यस, क्या कहेंगे राहुल? चुकीची गोलंदाजी इतना आपल्याला पाहायला मिळते या क्षणाला। आता मात्र एक एक धाव महत्वाची आहे, एक एक चेंडू देखील खूप महत्वाचा आहे। आता मात्र या दरम्यान इतन नो बॉल देखील आला आणि फ्री देखील आहे, याच्यावरती खेळाडू फक्त रनआउटच्या माध्यमातूनच बाद होते। पूर्णपणे या चेंडूचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न असेल बॅट्समनचा। समीकरण चार चेंडू अजूनही शिल्लक आहे, त्यांनी 11 धावीची गरज आहे। नेट टू नेट मॅच आपल्याला पाहायला मिळते, जसा सामना हवा होता प्रेक्षकांना नक्की नक्कीच तसाच सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय आज सेमीफायनलचा। दोन्हीही टीम संघर्ष करतायत या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी आणि शेवटपर्यंत हा संघर्ष पाहायला मिळेल। बिलकुल भावे सर होते तो कहते की हम फायनल से पहिले फायनल देख रहे, कट टू कट मुकाबला। इस मर्तबा छोटी गेंद थी, करने की कोशिश, बीट हुए डॉट गेंद, फ्री हिट गेंद पर भी कुछ नहीं कर पाए इस वक्त सुनील। राहुल अब सुनील पूरी तरीके से दबाव में नजर आ रहे, पूर्ण दबाव आपल्याला मात्र मोठ्या मॅच सा इतना पाहायला मिळतो। सुनील एक चांगला खेळाडू आहे, चांगला बॅट्समन आहे, चांगली फलंदाजी आप नक्की स्पर्धेमध्ये सुनीलनी केली आहे। मात्र या क्षणाला इतन हा सामना खूप क्रुशियल मोमेंटला आहे आणि इतन या क्षणाला दबाव आपल्याला पाहायला मिळतो। तीन चेंडू आणि समीकरणात मात्र बघतो आपण 11 धावीची गरज आहे या मॅच मध्ये। 3-11 अगर 10 रन बने तो सुपर ओव्हर, दर्शक अब और बढ़ते हुए सेमीफाइनल मुकाबला। इस बार सीधे बल्ले से उड़ा दिया, फील्डर गेंद के नीचे, बढ़िया कैच। के इसका ऊंट कब किस करवट बैठे कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। तीन ओवर की समाप्ति तक हमने देखा था कि ऊंट एससीसी की स्पोर्ट्स की ओर बैठा था, इस वक्त लोनार स्पोर्ट्स की ओर बैठा है। हालांकि दोनों टीमों के 12वें खिलाड़ी थोड़े से चिंतित है कमेंट्री बॉक्स में। अभी भी सुफियान शेख अब स्ट्राइक पर है, जूनियर सुफियान शेख नॉन स्ट्राइक पर, गेंदे बची है 2 और जीतने के लिए रन चाहिए 11। 2 के 2 छक्के लगाने होंगे सुफियान शेख को। हालांकि सुफियान शेख ये कारनामा बहुत मर्तबा कर चुके हैं, लेकिन वो साल दूसरे थे, वो मैच दूसरे से, ये मैच दूसरा है, अब यहां लगाना होंगे। और गेंदबाज ने अब तक जो मेहनत की है, हालांकि एक वाइड और एक नो गेंद भी की है, लेकिन वापसी बहुत अच्छा की है उन्होंने अपने टीम के लिए। एक गेंदबाज अच्छी डालनी होंगी गेंदबाज को, कप्तान तो यही कहेंगे, अगर मैं कप्तान होता तो यही कहता कि भैया आपको एक गेंद सिर्फ अच्छी डालनी है, क्योंकि रन चाहिए 11, 2 बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे। सुधीर सुफियान शेख के लिए शॉर्ट आर्म पुल किया है, ओ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। राहुल कहीं ये मैच तो नहीं जा रहा है, एक गेंद और जीतने के लिए रन चाहिए 7, अगर छक्का लगा तो मैच सुपर ओवर। स्पर्धेमध्ये झाली देखील नाहीये, एक सामना तसा झाला नाहीये, मात्र इतना एक चेंडू आणि 7 धावीची गरज आहे षटकार आला तर मग काय, सुपर ओवर मध्ये नक्कीच ही मॅच पाहायला मिळेल की हा सामना इथन मात्र एखादा संघ क्लीन जिंकेल। जिंकला तर मी तर म्हणेल प्रगा टीमला जिंकायचं तर आहेच मैदानाच्या आतमध्ये। आता एका बाजूने लोणार संघाने देखील भरपूर आणि भरपूर मेहनत केली आहे या मॅच मध्ये, एक चेंडू 7 ची गरज आहे, षटकार मारला तर सुपर ओव्हर मध्ये नक्की जावं लागेल आपल्याला। सुफियान शेख अब कमेटी भी चाहेगी की सुपर ओव्हर हो तो कमेटी को ही मजा आएगा, कमेटी की
ख्वाहिश रहती है कि कुछ ना कुछ नया हो उनकी स्पर्धाओं में। एक गेंद और जीतने के लिए रन चाहिए 7। स्ट्राइक पर सुफियान शेख, गेंदबाज सुधीर, अब तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है उन्होंने। आखिरी गेंद लेकर सुफियान शेख के लिए, एक गेंद और 6 रन सुपर ओवर के लिए, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। सुफियान शेख सुधीर का सामना कर रहे, पटकी हुई गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन सुपर ओवर। ये सुफियान शेख है, कुछ ना कुछ करते ही है। टीमों के कप्तान, जो टीम बल्लेबाजी कर रही है बल्लेबाजी करेगी, जो टीम गेंदबाजी कर रही है गेंदबाजी करेगी। सुपर ओवर के नियम आपको बता दूं, आपको गेंदबाज का नाम कमेटी को देना है, फील्डिंग वाली टीम और बल्लेबाजी वाली टीम गेंदबाज और बल्लेबाजों के नाम देने। यस, क्रिकेट के बहुत बड़े शौकीन शुभचिंतक जोशी सर वहां पर मौजूद है, फिक्र की कोई बात नहीं। राहुल मैच तो हो गया है, लेकिन क्या आप ये बात मानने को तैयार है कि बाजिल शेख का जो विकेट था वो मैच का टर्निंग पॉइंट था? डेफिनेटली, आणि एक सुपर ओवर गरजेची होती या स्पर्धेमध्ये, म्हणून कदाचित बाजिल शेखची विकेट महत्वाची होती। आणि लगेचच आपण मॅच देखील सुरू करणार आहोत, पहिली आपल्याला मात्र इथन ही सुपर ओव्हर पाहायला मिळते, ती देखील सेमीफायनलची। बाजिल शेखने 10 चेंडूंमध्ये 32 धावा बनवल्या होत्या, आता मात्र त्या गोष्टीचा विचार इथन केला जाणार नाहीये। आता 6 चेंडू महत्वाचे आहेत, सुपर ओव्हर साठी वेळ घेऊ नका प्लीज, लवकरात लवकर नाव लिहून घ्यायची आहेत आणि लगेचच आपल्याला सामना सुरू करायचा। खेळाडू कक्ष मध्ये गर्दी नकोय, सुपियान खेळाडू कक्ष खाली करायचा आहे, तिथन फक्त खेळाडू असतील। प्लीज प्लीज, पाणी मिळेल तुम्हाला पण प्लीज। खेळाडू कक्षासमोर गर्दी नकोय, सुपर ओवर में मुकाबला पहुंच चुका है। व्हाट अ मैच, कहना होगा कि कमेटी का मेहनत और पैसा सब कुछ वसूल होता हुआ, और हर कमेटी की ख्वाहिश रहती है कि सेमीफाइनल फाइनल के मुकाबले बहुत ही कट टू कट हो। SCC स्पोर्ट्स अपने ओपनर्स भेजना है, समय के मामले में सहयोग करना है, फाइनल मुकाबला अभी भी बाकी है और फ्लड लाइट की सुविधा इस मैदान पर अब तक उपलब्ध नहीं हुई है, इस बात को ध्यान में रखना है। चला लवकर यायचे अपन मैदान आत मध्ये, सलामीवीर बासमन बाजिल चला यायचे लगेच, अपन जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज, फास्ट क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, क्षेत्रक्षण आपण लगेच लावून घ्यायचे। समीर गोडे यांच्याकडे नक्कीच शुभेच्छा आले आहे, सुफियान शेख साठी आपले देखील हार्दिक स्वागत आहे। 2 सलामीवीर बासमन, आता सुपर ओव्हरचा नियम दोन्ही टीमला माहिती आहे, मॅच आपण लगेच सुरू करावी।
मास दामू और आवेश ने ऑल द बेस्ट कहा है बाजिल शेख को। मंगलदास पाटिल ग्रुप ग्राम पंचायत सरपंच बापगाव देवरुंगचे सन्माननीय बालारामजी गोडे साहेब देखील त्यांच्यासोबत उपस्थित आहेत। उद्योजक देवरुंग पाड्याचे जे उद्योजक आहेत सर्वच मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने आमच्या व्यासपीठावरती नक्कीच या स्पर्धेसाठी पारितोषिक वितरण सभासाठी सर्व आमचे प्रमुख मान्यवर या व्यासपीठावरती आपल्याला पाहायला मिळतात त्या सर्वच मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक सहर्ष सहर्ष स्वागत आहे। मॅच आपण स्टार्ट करू या सुपर ओव्हर्स मोठी मॅच सेमीफायनलची सुपर ओव्हर पहिल्यांदाच या टूर्नामेंट मध्ये या स्पर्धेमध्ये अजय को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है जबकि दोनों ही सलामी बल्लेबाज सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए परलेश और बाजिल शेख। साजिद शेख का ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल के बाहर निकल गया था। इस वक्त कई मान्यवर वीआईपी डाइस की शोभा को बढ़ा रहे हैं। आप सभी का वेलकम। सेमीफाइनल मुकाबला सुपर ओवर चल रहा है एससीसी बनाम लोनार स्पोर्ट्स। पहली गेंद तेज गेंद कलाइयों के सारे मोड़ा गेंद को रन के लिए निकल पड़े डायरेक्ट हिट बड़ा झटका सुपर ओवर में। जो रणनीति सोची थी वो अब उन्हीं के खिलाफ हो गई। राहुल भोईर पहिल्याच बॉल वरती रन आउट च्या माध्यमातून विकेट। 7 ते 8 किंवा 10 धावा जरी होणं गरजेचं आहे आणि आता मात्र एक विकेट देखील गेला आहे तो विकेट सांभाळावा लागेल आणि 5 बॉल मध्ये चांगला खेळ करून एक चांगली धाव संख्या बनवावी लागेल। द्रोणच्या माध्यमातून हे सर्व दृश्य नक्कीच आता मात्र इथं कव्हर केले जातील। जीटीसी लाईव्ह च्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते आणि आपण आज शेवटच्या अंतिम टप्प्यामध्ये आहोत। द्रोण कॅमेरा देखील सज्ज झाला आहे। पूर्णच्या पूर्ण क्षण चित्र टिपली जातील आमच्या व्यासपीठावरती। भरपूर मोठ्या संख्येने मान्यवर देखील पाहायला मिळतात त्या तमाम मान्यवरांचं नामदेव पाटील स्मृती चषकामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत। गोल्डन डक पर आउट हुए बाजिल शेख नए बल्लेबाज जयेश वारके। पुष्कर भंडारी चौधरी पाड्याच्यांचे शुभ आगमन झाले त्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं। इस बार अच्छी गेंद जेंटल पुश एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब दबाव रहेगा एससीसी स्पोर्ट्स पर। राहुल विकेट एक हो चुकी है एससीसी स्पोर्ट्स। अब यहाँ रन भी बनाने और विकेट भी बचानी है। नक्कीच डेफिनेटली 4 चेंडू आता मात्र बाकी आहेत। 4 चेंडू मध्ये धावा देखील बनवायच्या आहेत आणि विकेट देखील वाजवायच्या आहे। या परिस्थितीला आता मात्र इतना एखादा मोठा फटका येणं गरजेचं आहे तेव्हा मात्र नक्की जी सुपर ओव्हरची मॅच आपल्याला खूप चांगली पाहायला मिळेल। प्रयत्न सुरू आहेत मात्र अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत। अजय मरते हुए सामना करेंगे परलेश। लो फुलटास गेंद स्वंग किया फील्डर गेंद के नीचे और आउट। खराब बल्लेबाजी मैं कहूंगा। रन बनाने सुपर ओवर में इस मैच को जीतने के लिए फाइनल में प्रवेश करने के लिए। बागेश्वर जमशी ताडेगाव शंशकडना अजय साठी 200 रुपयाचा पारितोषिक आला आहे। चला वेळ ना घेता क्षेत्र शून्य लगेच लावून घ्यायचे। आणि आमचे सहकारी समालोचक मजर खान आमच्या सोबत जॉईंट होतील। चौधरी पाडा टीमचे कॅप्टन येऊन थांबायचे आपण। नक्षत्रा सौदरपाडा टीमचे कॅप्टन येऊन थांबायचे।
बालकृष्ण गायकवाड जे समाजसेवक आहेत लोणार गावच्यांच्या माध्यमातून पारितोषिकाला आहे 500 रुपयाचं अजय साठी हा पारितोषिक आहे. पुष्पराज भंडारे यांच्याकडून देखील पारितोषिक आहे अजय साठी 200 रुपयाचं. पूर्णच्या पूर्ण आम्ही पारितोषिक नक्कीच देणार आहोत. मॅच संपल्याच्या नंतर नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौधरपाटा टीमच्या कॅप्टनने रिपोर्ट करायचे. प्रदीप फले यांच्याकडून आजीसाठी अजून 500 रुपयाचं पारितोषिक. एकूण पारितोषिक भरपूर जमा झाला आहे तो आपण देणार आहोत नंतर. 1400 रुपयाचा पारितोषिक आतापर्यंत अजयसाठी आलाय. जिंकण्यासाठी दोन धावा बनवायचे आहेत. योगेश आणि सुभाष फायनलचा टॉस देखील इथेच आपण करणार आहोत. पहिलाच बॉल आणि एक धाव आणि इथन या दोन धावा आणि इथन मेगा फायनल मध्ये नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. खूप चांगला खेळ आपल्याला पाहायला भेटला गावदेव स्पर्शला टीमचा. चल टॉस साठी लगेचच यायचा, अजिबात वेळ नाही घेता. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना टॉस इथेच केला जाईल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने अजिबात वेळ नाही घेता टॉस साठी यायचं आहे. सेकंड आपण करायचं आहे, लाईनअप करून आपण सेकंड करूनच मैदान सोडायचं आहे आणि टॉस आम्ही इथेच करणार आहोत. इथं आमचे मजर खान जॉईन होतील टॉस साठी. सेकंड करूनच तुम्हाला मैदान सोडायचं आहे या गोष्टीची नोंद घ्यावी. तर मान्यवरांना विनंती की आपण समोर यायचं आहे टॉस बॉक्स समोर. सन्माननीय आमचे